एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत ये थी कि उसके पास बगल में एक कैक्टस का पौधा था। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसे लुक्स पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। एक चिलचिलाती गर्मी रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गई, अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नज़ारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। ये देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए।